हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रबिंग कैसे करते हैं। स्क्रबिंग हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़रूरी प्रोसीजर होता है। जब भी हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद हमें स्क्रबिंग ज़रूरी होती है, पर स्क्रबिंग हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, इसे हमें वीक में एक बार ही करना होता है। स्क्रबिंग हमारे फेस के डेड सेल्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड जो हमारे नोज़ एरिया या चिन एरिया में हो जाते हैं, या डार्क स्पॉट जो हमारे फेस पे बहुत गंदे दिखते हैं, उसे रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड कमेंट भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा वायो पपाया रिवेटलाइजेशन 10 रिमूवल स्क्रब। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये आयुर्वेदा रेसिपी है। पपाया तो हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिट होती है। इस ये 50 ग्राम का है एंड इसकी प्राइसिंग 75 रुपीज़ है। आप इसे किसी भी शॉप से ले सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगी। एंड इनकी इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की होती है। इसे कैसे यूज किया जाता है? मसाज ऑन वेट फेस एंड नेक विथ फिंगर टिप्स, अवॉइड आई एरिया, रिमूव विथ वाटर और डैम वॉश क्लॉथ, यूज डेली और एज नीडेड। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आप वीक में एक बार ही यूज करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज कैसे किया जाता है। तो गाइस, स्क्रबिंग करने से पहले अपने फेस को वाटर से डिप कर लें। फिर इसे इतनी क्वांटिटी में लेके अपने फेस में स्क्रबिंग करें। हमें इसे ज़्यादा जोर से मसाज नहीं करना, बल्कि आपके स्किन में रैशेस भी आ सकते हैं। इसे हमें जेंटली मसाज करना है, नोज एरिया एंड चिन एरिया में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। पपाया हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप बिल्कुल इसी तरह स्क्रबिंग करें, इससे ज्यादा करने से आपके स्किन में रैशेस आ सकते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, अगर ये सूख जाए तो आप इसमें और वाटर ऐड कर सकते हैं। आप इसे 10-15 मिनट तक इसी तरह स्क्रब करें। मैं इसमें और वाटर ऐड करी क्योंकि ये मेरा थोड़ा सूख गया है। देखिए फ्रेंड, ये 2-3 मिनट तक मैंने स्क्रबिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसे रिमूव कर लिया। आप इसके बाद इसमें मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कोई इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप इसके ऊपर आइस क्यूब लेके भी रब कर सकते हैं। गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।